गाइज वेलकम ऑन एकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन वैकेंसी के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसका जो डेट है वो काफ़ी क्लोजिंग डेट है, इसलिए मैं तीनों वैकेंसी को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि तीनों के तीनों वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए काफी बेहतरीन यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली वैकेंसी से। सबसे पहली वैकेंसी जो आई है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो है ये अगर हम देखें इसमें पोस्ट नेम तो एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 1/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है और वेरियस काफी सारे इसमें पोस्ट निकाले गए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन डेट जो है 12 फरवरी 2020 को आ चुका था। उसके बाद स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 27 मार्च 2020 को फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट इसकी 15 मई 2020 रखी गई। तो अगर किसी कारणवश अगर आपने फिल नहीं किया है फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फी पेमेंट की बात करें तो लास्ट डेट जो है 15 मई 2020 रखी गई है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल मेल फीमेल अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 150 रुपीज़ आपको जो है पे करने पड़ेंगे फॉर द पोस्ट इसके लिए, ठीक है, यहाँ तक के लिए। और उसके बाद अगर आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल फीमेल हेलिंग फ्रॉम हरियाणा यानी हरियाणा से फीमेल कैंडिडेट हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 75 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, बाकी 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे इस पोस्ट के लिए। SC ST EWS कैंडिडेट है हरियाणा के मेल है तो 35 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस पोस्ट के लिए और 25 रुपये इस पोस्ट के लिए देने पड़ेंगे। तो बाकी आप डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सारे जितने भी नोटिफिकेशन है सबका सब लिंक मिल जाएगा। अप्लाई लिंक से लेकर ऑफिशियल वेबसाइट या नोटिफिकेशन सब डिटेल लिंक वहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जा करके आप जो है इसको डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और बाकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें SC ST EWS हेलिंग फ्रॉम हरियाणा फीमेल कैंडिडेट को 18 रुपीज़ लगेगा फॉर द पोस्ट दिस। उसके बाद अगर हम बात करें 13 रुपीज़ लगेगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद फीमेल हैंडीकैप एक सर्विसमैन के लिए कोई फी यहाँ पर नहीं लगेगा। पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चलान से कर सकते हैं। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो इसमें जॉब लोकेशन जो है हरियाणा में दिया गया है आपका जॉब लोकेशन। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 17 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1137 यानी 1137 पोस्ट, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पर आप बहाली निकाली गई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन मौका है आपके लिए। पोस्ट नेम कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेब तहसीलदार की बात करें तो 6 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्शन कर्मियों की बात करें तो जो है 21 पोस्ट है। उसके बाद वर्क सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 117 पोस्ट दिए हुए हैं। उसके बाद ऑटो डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे 39 पोस्ट है। उसके बाद कारपेंटर 33 पोस्ट, प्लम्बर के 4 पोस्ट और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो सर्वेयर है 1 पोस्ट, पेंटर के 27 पोस्ट, मेसन के 23 पोस्ट। तो बाकी सारे पोस्ट आप डिटेल में नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, बाकी यहाँ भी आपको दिख रहा होगा सारे के सारे पोस्ट आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करें, ये काफ़ी बढ़िया मौका है आपके लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं सारे के सारे। पे स्किल की बात करें तो एज पर रूल जो है आपको पे स्किल बढ़िया मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन में सब कुछ देख सकते हैं वहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ये जो है शॉर्ट नोटिस आपको बताना था इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने मिस कर दिया फॉर्म भरना तो वो जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग 10+2 इंटरमीडिएट विद हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैविंग डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन रिलेटेड पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। अगर आपने 10+2 इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपका एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होना ही चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, मैट्रिकुलेशन में, या फिर हायर बैचलर डिग्री भी आप किया है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री किए हुए हैं, या फिर आपकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस है आपको इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट जो है आपको बोला गया है कि आप अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद बात करें सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, तो सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा या नहीं तो OMR बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, अभी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो है CBT टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है या फिर लिखित परीक्षा यानी OMR बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो ये आज की पहली वैकेंसी थी। अगर
चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं तो ये है आपका DDA पटवारी एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से ये वैकेंसी आई है। पोस्ट नेम की बात करें तो पटवारी में क्या इसमें पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद सिलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद वेरियस काफ़ी सारे पोस्ट इसमें भी दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को जो स्टार्ट हो चुका है डेट इसका। लास्ट डेट की बात करें 15 मई 2020, यानी 15 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फी पेमेंट की डेट 20 मई दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 फी पे करने पड़ेंगे, SC ST के लिए कोई फी नहीं है। यहाँ पे पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली में आपका जॉब लगेगा। की बात करें तो 22 अप्रैल 2020 के अनुसार आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 30 ईयर्स है, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया। उसके बाद आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ भी मिल जाएगा आपको। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 30, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के लिए भी मैक्सिमम 30 ईयर्स रखेगा। उसके बाद बात करें सर्वेयर की तो 18 से लेकर 25 ईयर्स तक रखेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की बात करें तो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक यहाँ पे रखा गया एज लिमिट। पटवारी की बात करें तो 21 से लेकर 27 ईयर्स तक आपको एज लिमिट मिल जाएगा। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो 18 से लेकर 27 ईयर तक आपको मिल जाएगा। माली की बात करें तो 18 से लेकर 25 ईयर तक आपको एज लिमिट मिल जाएगा। और पोस्ट की बात करें तो 629 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पोस्ट वाइज जितनी वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। अब देखिए स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की बात करें तो 100 पोस्ट है, पटवारी की बात करें तो 44 पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पे दिए हुए, डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम की बात करें तो 5 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की 2 पोस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की 5 पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के 11 पोस्ट, उसके बाद आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात करें तो 8 पोस्ट, उसके बाद अगर आगे प्लानिंग असिस्टेंट की बात करते हो तो 1 पोस्ट, सिलेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 48 पोस्ट, उसके बाद सर्वेयर के 11 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें 292 पोस्ट है, माली के 100 पोस्ट हैं। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो आपको एज पर रूल मिल जाएगा पे स्केल। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो चलिए देखते हैं। डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम के लिए कैंडिडेट हैविंग PhD इन कंप्यूटर साइंस या IT में आपकी PhD होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि या फिर MEMTECH इन कंप्यूटर साइंस में हो विथ फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट विथ 3 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है और भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि BE/BTECH या MSc इन कंप्यूटर साइंस में किया हो, IT में किया हो, MCA किया हो विद फर्स्ट क्लास से, या फिर मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट विद 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पोस्ट हैं, डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम के पोस्ट हैं आपके पास, उसके लिए कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में, आर्किटेक्चर या मैकेनिकल या सिविल में, या फिर म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर्स इन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इट्स इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर या नहीं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ टाउन, सिटी, अर्बन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्लानिंग। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास इसके लिए होना चाहिए। डायरेक्टर सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है BE/BTECH, MSc, MTECH, MCA इन कंप्यूटर साइंस, IT विद 60% मार्क्स के साथ अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको CA, CS और MBA इन फाइनेंस चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्चर असिस्टेंट का आप देख सकते हैं, प्लानिंग असिस्टेंट का देख सकते हैं, तो काफ़ी सारे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बाकी पॉइंट है। तो सर्वेयर का भी आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी का यहाँ पे देख सकते हैं, पटवारी का देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पटवारी के लिए। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, और टाइपिंग स्पीड इसमें मांगा है वो आप फुलफिल करें और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। माली की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग 10th पास अगर हैं रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया से, तो आप माली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है तीसरी वैकेंसी उसकी तरफ चलते हैं, ये है SHSP बिहार वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, यानी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से ये वैकेंसी है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं,
लैब टेक्नीशियन के पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पोस्ट है, उसके बाद मैट्रिक सोशल वर्कर के पोस्ट है, तो काफ़ी सारे पोस्ट है यहाँ पे भी। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो स्टार्ट इसका है 20 मार्च 2020 को स्टार्ट हो चुका है, 15 मई जो है अप टू 6 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट फी पेमेंट का दिया हुआ है कि 15 मई 2020 तक आप फॉर्म का फी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रखा गया है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जो है 250 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है, और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए 250 रखा गया है। पेमेंट जो है आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार में जॉब लोकेशन रहेगा इसका। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2020 के अनुसार आपका एज काउंट किया जाएगा। मेल का 18 से 37 साल एज होना चाहिए, उसके बाद फीमेल को 18 से 40 साल दिया गया, और एज रिलैक्सेशन आपको जो है मिल जाएगा अपर एज में छूट एज पर रूल, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 ईयर्स का, बाकी जितने भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो नोटिफिकेशन में डिटेल में देख सकते हैं जाकर के। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 70 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करें तो सीनियर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 20 पोस्ट है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो 21 पोस्ट है, उसके बाद साइकेट्रिक सोशल वर्कर की बात करें तो 29 पोस्ट है। उसके बाद पे स्केल की बात करते हैं तो अगर आप लैब टेक्नीशियन में जाते हैं तो आपको 19,000 पर मंथ मिलेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में जाते हैं तो 60,000 पर मंथ मिलेगा, उसके बाद हम बात करें साइकेट्रिक सोशल वर्कर में जाते हैं तो 50,000 पर मंथ आपको सैलरी पे किया जाएगा। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है पहला पोस्ट लैब टेक्नीशियन जो है इसके लिए है MSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या फिर जनरल माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजी में होना चाहिए आपका, या फिर आप BSc किए हैं माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री से, लाइफ साइंस से विद DMLT, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम लेकिन यहाँ पे 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए बैक्टीरियोलॉजी में। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, तो यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके, कि अगर आप इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें किस इसका भी आप पहुंच करके सारे के सारे डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें इसमें, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी जो है बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट मैंने लिख दिया है कि अगर आपको जो है अप्लाई करना है उससे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में जाके पढ़ना है कि क्या जरूरी है, वहाँ पे सारा का सारा डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद अगर नया चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह बेहतरीन अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।